मुंबई में कैमरे में कैद हुई लाइव चोरी की वारदात। गौर से देखिए इस वीडियो को, सब कुछ सामान्य लग रहा होगा। कुछ ही सेकंड में बच्चा पकड़े ये शख्स चिल्लाकर भागने लगता है। इन तस्वीरों को देखकर समझना मुश्किल है कि आखिर क्या हुआ है, इसलिए एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए। जैसे ही लोकल ट्रेन स्टेशन पर आती है, गोदी में बच्चा लिए ये व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी के पीठ पर बैग टांगे ये दूसरा शख्स, जिसका नाम शब्बीर फिरोज खान है, उसके पीछे लग जाता है। बड़ी होशियारी से ये पॉकेट में रखे मोबाइल को निकाल लेता है और आगे बढ़ जाता है। शब्बीर के हाथ से फोन भी छूटकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन नीचे से ऐसे फोन उठाता है जैसे कि इसने कुछ नहीं किया हो। इसके बाद भीड़ का हिस्सा बन जाता है, जबकि जिसका फोन चोरी हुआ है वो अब भी चोर को ढूंढ रहा है। चोर बड़े आराम से आगे बढ़ता है और वहां से निकल पड़ता है। जो हमारा सर्विलेंस स्टाफ है, सर्विलेंस स्टाफ को पता है कि ये आदमी को कैसे भी पकड़ना है, क्योंकि इसके की वजह से ही बहुत सारे मोबाइल की चोरी बढ़ रही है। हमारी खुशकिस्मती रही कि 3 दिन बाद ही उस 16 तारीख उस आदमी ने वापस एक घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक RTO जो कि अंधेरी में पोस्टेड है, उसका सब इंस्पेक्टर का मोबाइल उसने चुराया। अंधेरी स्टेशन को रंगे हाथों चोरी करके पकड़ा और उसी आदमी के पास से उस RTO सब इंस्पेक्टर का मोबाइल भी हमने रिकॉर्ड किया। जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो बता रहा कि काफी दिनों से काम में लगा हुआ है और अंधेरी के अंदर इसने बहुत सारे मोबाइल चुराए। मोबाइल चोरी का अब जरा एक और वीडियो देखिए। रात का वक्त है, स्टेशन सुनसान है, एक आदमी प्लेटफॉर्म पर सो रहा है जबकि दूसरा शख्स टहल रहा है। इसे देखकर लग रहा होगा कि ये ट्रेन का इंतजार कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी नजर तो इस आदमी पर गड़ी हुई है। ये तुरंत सोए हुए शख्स के पास गया और उसे जगाने की कोशिश की। इसके बाद फिर दोबारा इसने उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की। जैसे ही इसे एहसास हो गया कि वो गहरी नींद में है, तो उसका फोन जेब से निकाल लेता है। कुछ देर फिर टहलता है और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ये दोनों वीडियो सिर्फ उदाहरण भरे। मुंबई की लोकल ट्रेन में मोबाइल झपटमार गैंग काफी दिनों से सक्रिय है। बड़े ही शातिर तरीके से ये फोन चुरा कर गायब हो जाते हैं, जैसा कि CCTV की फुटेज में दिख रहा है। GRPF और RPF मिलकर इस गैंग को पकड़ने में जुटी हैं। पिछले 5 महीने में GRP और RPF ने मिलकर इस गैंग के लगभग 48 लोगों को पकड़ा है और 44 मामले सुलझाए हैं। वैसे तो मुंबई की लोकल ट्रेन को यहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसी लाइफलाइन में जब लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन सफर करते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन जगह होती है चोरों के लिए। आंकड़ों की अगर बात करें तो साल 2016 में इस तरह के आंकड़ों में 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि GRP RPF लगातार इस तरह की चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामलों में आमतौर पर मिसिंग की कंप्लेन रजिस्टर्ड होती है और यही चोरों के लिए सबसे बड़ा फायदा भी साबित होता है। मोबाइल स्नैचिंग की ज्यादातर घटनाएं बोरीवली और अंधेरी जैसे भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर हो रही हैं, जहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खचाखच भरी लोकल ट्रेन में सफर करना लोगों की मजबूरी है, जिसका फायदा मोबाइल झपटमार गैंग उठा रहा है। लेकिन पुलिस और जांच एजेंसियां इस पर नकेल कसने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। सुधीर शुक्ल, इंडिया TV, मुंबई।